हाय फ्रेंड, वेलकम टू शाइन 360। देखो आरआरबी एनटीपीसी जो परीक्षा, से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा जो ऑफिशियल एग्जाम डेट से शुरू कर सीटी एंटीमेशन समस्त किसी क्योंकि प्रोवाइड करा हो प्रोवाइड करा हो सब गुरुत्वपूर्ण तथ्यटी जे तुम्हारे कटा फ्रेजे परीक्षा होते चले अर्थात परीक्षा जो फ्रेज अनुजाई होते चले क्योंकि आरआरबी भोपाले देखो बर्तमान आरआरबी भोपाल वेबसाइट रही है और से डिटेल्स क्लियर हो तो चलो कि नोटिफिकेशन देखे नब। देखो नोटिफिकेशन का क्योंकि एकदम प्रथम देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीएन नम्बर 1/2019/17/12/2020 नोटिफिकेशन क्योंकि किसुक्षण आगे पब्लिश करा हो देखा लेखा आज एग्जाम नोटिस और शिड्यूल फॉर द सीबीटी वन फॉर द रिक्रुटमेंट मैं एनटीपीसी सीबीटी वन क्योंकि एखे बला तो चलो देखा जा नोटिसाते। देखो फ्रेंड, नोटिस होता 1/2019 फॉर द रिक्रुटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सीबीटी वन। एखे कि देखो द फर्स्ट टेस्ट सीबीटी विल बी हेल्ड इन द मल्टीपल फेज इन द ऑर्डर टू एनश्योर एडहेरेंस टू ऑल द कोविड-19 गाइडलाइंस टू द लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्रॉक्स 1.25 crore। टोटल कत फर्म फिल आप हो देखो 1.25 crore क्योंकि परीक्षा ना अकॉर्डिंगली टू द फर्स्ट फेज अफ द एग्जाम शिड्यूल 23 lakh। मैंने देखो प्रथम जो फ्रेज करा देखो बेस किस फ्रेज करा जा मन हे कारण देखो 2018 साले जो फर्म फिल आप हो टेक्निशियन तक क्योंकि बेस किस फ्रेजे क्योंकि परीक्षागुल्लो ने एक ही क्योंकि अवस्था करा होते परे होते क्योंकि चले एनटीपीसी क्षेत्र प्रथम फ्रेजे क्योंकि 23 lakh परीक्षार्थी के क्योंकि परीक्षा नेरपर बेस किस फ्रेज आस फ्रेज टू फ्रेज थ्री फ्रेज फोर तो आसते परे तो क्षेत्र में देखो येटा जो रखा हो फार्ष्ट फ्रेजर 28/12-13/1 28 December ही क्योंकि परीक्षा शुरू हो सब बड़ खबर 28 December शुरू कर 13 January पर्यंत परीक्षा चलो। देखो और एक कथा इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर द कंट्री अर्थात देशर विभिन्न सीटी परीक्षा है द रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड इन सबसिक्वेंट फेज एंड विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली अर्थात तादेर कोथाय कि परीक्षा पड़े सेटा किन्तु जानिए देवा होबे। एबार देखो फ्रेज टू ते एकटा कथा बोलछे जे लिंकर कथा द लिंक अफ द भिओ एक्साम सीटी एंड डेट डाउनलोड टू द ट्रावलिंग अथॉरिटी अफ एस सी एस टी कैंडिडेट्स उल बी मेड अवेलेबल अवेलेबल ऑन द आरआरबी वेबसाइट 10 days प्रियर टू स्टार्ट अफ द एक्साम अर्थात 28 तारीखे जर परीक्षा शुरू हो 28 तारीखे जर परीक्षा शुरू हो ठीक 10 दिन आगे अर्थात मने 18 December থেকে কিন্তু তোমরা তোমাদের সিটি এন্টিমেশন চেক করতে পারবে অর্থাৎ তার ঠিক 10 দিন আগে থেকে কিন্তু তোমরা তোমাদের সিটি চেক করতে পারবে তোমাদের কোথায় পরীক্ষা পড়েছে সেটা কিন্তু চেক করতে পারবে। কখন পারবে? যখন তোমাদের পরীক্ষা 28 December থাকবে। যদি কারোর পরীক্ষা 29 December থাকে তাহলে সে কিন্তু 19 তারিখ থেকে তার সিটি চেক করতে পারবে। যদি 30 তারিখ থাকে তাহলে কিন্তু সে চেক করতে পারবে 20 তারিখ থেকে অর্থাৎ 10 দিন আগে থেকে কিন্তু তার সিটিটা চেক করতে পারবে। সাথে সাথে SC ST-দের যে ফ্রি ট্রাভেলিং পাস তারাও কিন্তু সেটাও কিন্তু এখান থেকে डाउनलोड करोम जो डाउनलोडिंग इकॉल लेटर अर्थात एडमिट कार्ड कहाँ डाउनलोड करो देखो आरआरबी वेबसाइट इंटीमेशन लिंक क्योंकि डाउनलोड करते हैं 4 days before अर्थात परीक्षार 4 दिन आगे क्योंकि तुम्हारा डाउनलोड करते पर देखो और एक इनफरमेशन देव है नम्बर 3 तुम्हारा स्टूडेंट मध्य जाते कोकम को बजे परिस्थिति सृष्टि ना जो इनफरमेशन टू द कैंडिडेट हुई इज नट शिड्यूल इन ए फ्रेज अर्थात फ्रेजे फार्ष्ट फ्रेजे जैसे देवा हा फार्ष्ट फ्रेज तक रखा हा तर क्षेत्र में लिंक तुम्हारा जो ओपन करो तुम्हारा रेजिस्ट्रेशन नम्बर दिए पासवर्ड जो दे तक तुम्हारे क्यों देखा तक देखा डियर कैंडिडेट यू आर नट शिड्यूल इन द प्रेजेंट फ्रेज प्लिज वेट फर इंटीमेशन फ्रम आरआरबीस अर्थात तुम्हें फ्रेजे रखा है तुम्हें वेट करते बला हे आरआरबी परवर्ती फ्रेजर जो ओके एम धरण एक नोटिस क्योंकि तुम्हारे देखिए देवे जदि तुम्हार फ्रेजे जदि कोनो एग्जामिनेशन ना थाके क्लियर। चलो आरो देखो किछु बोलेछे तुम्हारा जदि तुम्हारे एप्लीकेशन रेजिस्ट्रेशन नम्बर जो तुम्हारा जो फर्म फिल आप कर रेजिस्ट्रेशन नम्बर जो फर्म तुम्हारा जो हारिए फेलो कोनो असुविधा नहीं ताहले किन्तु आरआरबी तुम्हारे जो एक लिंक नहीं आसछे अफिशियल वेबसाइटे लिंक नहीं आसछे जेखान थेके किन्तु तुम्हारा तुम्हारे जे रेजिस्ट्रेशन लिंक तारा किन्तु तुम्हारा तुम्हारे समस्त इनफरमेशन जानते पारबे होते पारे सेखाने होयतो तुम्हारे इमेल आईडीटा व्यवहार करते होते पारे एबं तुम्हारे डेट अफ बार्थ यूज करते पारे जेटा होबे सेटा किन्तु तुम्हारा जानते पारबे ओके। नम्बर 4 किन्तु बोलो এটাও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেকে ছিলে যারা কিন্তু তোমাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ভুলে গেছিলে বা হারিয়ে ফেলেছিলে তাদের জন্য কিন্তু আরআরবি একটা ভালো উদ্যোগ বলবো। এবং লাস্টে বলা হচ্ছে যে কোনো কিছুর জন্য কিন্তু তোমাদেরকে আরআরবি অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু ভিজিট করতে বলা হচ্ছে। হয়তো সবথেকে বড় খবর এনটিপিসির যে এক্সাম শিডিউল সেটা কিন্তু বার হয়ে গেল 28 December থেকে স্টার্ট হচ্ছে পরীক্ষা ঠিক আছে এবং তোমাদের সিটি এন্টিমেশন আমি আশা করছি আগামীকাল আজকে 17 তারিখ আগামীকাল থেকে কিন্তু তোমরা তোমাদের সিটি এন্টিমেশন দেখতে পারবে যাদের 28 তারিখে এক্সাম রয়েছে। তোকে বন্ধুরা দেখা হয় পরবর্তী ভিডিওতে।